एनडीए में सीटों को लेकर तालमेल का ऐलान हो चुका है और रामविलास पासवान की पार्टी को बिहार में 6 लोकसभा सीटें दी गई हैं। जीतनराम मांझी हमारे साथ मौजूद हैं। मांझी जी, आप लोगों ने बहुत डोरे डाले पासवान जी को पिछले 3-4 दिनों में कि छोड़ के आ जाइए, लेकिन वो आए नहीं। डोरा नहीं डाला जा रहा था, वो रणनीति बस उनको ऐसा भ्रम में डाला जा रहा था कि शायद इधर की बात करेंगे तो फिर उधर से क्या हालत रहेगा वो समझेंगे। लेकिन उनको जो जितना बड़ा मैग्नेट समझ करके एनडीए ने रखा है और सीट दिया है, हम समझते हैं कि वो महान धोखा में होंगे, इसीलिए कि वो अब दलित नेता रहे नहीं। हिंदुस्तान के लोग उनको जान रहे हैं मौसम वैज्ञानिक के रूप में, तो उनका विज्ञान इस साल फेल होगा और यहाँ पर जितने दलित हैं जिसके बल पर आज राजनीति कर रहे हैं वो दलित सब हम लोगों के साथ हैं, महागठबंधन के साथ है, और इसका नज़ारा आप देख लेंगे 2019 के चुनाव में। लेकिन दो दिन पहले तो पासवान जी और चिराग पासवान ने भी काफ़ी सरकार पर दबाव बनाया था नोटबंदी पे, सवाल दबाव नहीं, वहाँ तो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है, उनका बन जाए दुनिया चाहे जो हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये कोई नैतिकता है कि आज हम उनका विरोध कर रहे हैं और सीट मिल गया तो हम चुप हो गए, तो इसका मतलब सीट के लिए ही विरोध कर रहे थे, ये कोई राजनीति है? आज तक चल गया, अब आगे नहीं चलना है। बिहार की जनता जानती है कि वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए वो हैं, न कि दलितों के लिए है, और यहाँ का दलित 100% अब हमारा महागठबंधन के साथ। फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं उनको होगा। बहुत कोशिशों के बावजूद भी रामविलास पासवान महागठबंधन में शामिल नहीं हुए। पुष्पा जी, महागठबंधन में शामिल कराने की कोशिश किसने की थी? कोशिश तो ऐसी कोई नहीं हुई थी कि महागठबंधन में वो शामिल हो, पहले से एनडीए में है। एनडीए में कैसे उनके सीटों की संख्या बढ़े इस बात को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। इधर से महागठबंधन की ओर से तो कोई ऐसा नहीं था कि उनको बुलाने की बात की जा रही थी। सीट शेयरिंग हुआ है, 6 सीटें मिली हैं लोकसभा और राज्यसभा का, क्या लगता है क्या बार्गेनिंग हुआ है? देखिए, उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो तो वही बताएंगे, लेकिन नीतीश जी के साथ जो 50-50 17-17 का बंटवारा हुआ है, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी तब जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस वक्त देश भर में घूम घूम कर कहते थे, उनके लोग भी कहते थे कि 36 इंच के सीना वाले हैं, अब 56 इंच के सीना वाले हैं, अब 56 इंच के सीना वाले भी नतमस्तक हो गए उसके सामने जिसने थाली छीन ली थी। अब इसका तो कुछ ना कुछ अर्थ होता है, लेकिन खैर जो भी कर लें, अब बिहार की जनता खास करके, देश भर में जो भी हो लेकिन बिहार की जनता अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का कुछ भी नहीं एनडीए को देने वाली है, यह बात तय है। क्योंकि नीतीश कुमार जी न सिर्फ थाली छीनने का काम करते हैं बल्कि गरीब बच्चों के हाथ से किताब भी छीनने का काम इन्होंने किया है। वो ऐसे लोगों के साथ शेयरिंग में चाहे जितनी सीट लोग बांट लें, लेकिन जनता अब उनकी ओर नहीं देखने वाली।